डिस्कस करने जा रहे हैं किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एट ए गिवन पॉइंट। यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया है जो आर्बिट्रेली चूजन किसी भी फंक्शन y इक्वल टू fx का ग्राफ है। y इक्वल टू fx के यहाँ कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन, पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं ली गई है, ये बस हमने मान लिया है कि यहाँ एक कोई फंक्शन है। जैसे हर फंक्शन का ग्राफ होता है, इसका भी कुछ ग्राफ है, वो ग्राफ यहाँ बनाया गया है। और अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक चूजन पॉइंट यानी x इक्वल टू a, ये फिक्स पॉइंट है, गिवन पॉइंट होगा कोई x इक्वल टू a, a यहाँ पे कोई भी फिक्स रियल नंबर होगा। इस पॉइंट पे यह फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं ये हमें समझना है, और डिफरेंशिएबल है या नहीं ये समझना है। पहले हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो x इक्वल टू a पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब a के लेफ्ट साइड यानी इधर से ग्राफ को अगर हम ट्रेस करें और a के राइट साइड में आगे तक जाएं, तो इस पॉइंट a पे हमें अपने मार्कर को उठाना न पड़े, फंक्शन कॉन्टिन्यू करे एट पॉइंट x इक्वल टू a। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू a। अब इस कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करने के लिए लिमिट्स का यूज हम कहां करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। तो जरा देखिए कि यदि x की वैल्यू a है यहां, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी यहां, f a होगी, ठीक है, y इज इक्वल टू f a होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a कॉमा f a, यही इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने जैसा कि बताया था तुम लोगों को, a के लेफ्ट साइड में x की वैल्यू एक लीजिए जो a के लेफ्ट साइड में हो, यानी कि a से छोटी वैल्यू होगी। अगर ओरिजिन से यहां तक वाली दूरी a के बराबर है, तो ओरिजिन से यहां तक की दूरी a से कुछ कम होगी। माना कि a के लेफ्ट साइड में जो हम गए वो ये छोटी सी डिस्टेंस जो है ये h के बराबर है। अगर ये h है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, a माइनस h हो जाएगा। तो यहां पर हम इस पॉइंट को a माइनस h से डिनोट करते हैं, और इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, f ऑफ a माइनस h होगी, ये वाली वैल्यू f ऑफ a माइनस h होगी, ठीक है। इसी प्रकार से a के राइट साइड में अगर हम h आगे चले जाएं, तो ये पॉइंट क्या होगा, यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, a प्लस h हो जाएगी। और इस पॉइंट पे y की वैल्यू फंक्शन की क्या होगी, f ऑफ a प्लस h हो जाएगी। अब यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि यदि हम फंक्शन fx की वैल्यू निकाल रहे हैं अंडर द लिमिटिंग कंडीशन, लिमिट क्या है, x टेंड्स टू a माइनस, यानी a माइनस का मतलब है a में से कुछ माइनस किया गया है, a के लेफ्ट साइड में हम जा रहे हैं और a के लेफ्ट साइड से हम a को अप्रोच कर रहे हैं, x की वैल्यू यहां पे है और यहां से हम a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, a की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जब हम a की तरफ बढ़ रहे हैं, ये लिमिटिंग कंडीशन इंपोज करते हैं, तो fx की वैल्यू क्या होगी, यानी फंक्शन यानी y की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम x की वैल्यू ये वाली जो हमने चूज की थी, यहां से हम a की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू चेंज होते होते y की वैल्यू fa के बराबर fa की तरफ टेंड करेगी, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसको वर्कआउट करने के लिए एक सिंपल तरीका है, क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, यानी कि अब लिमिटिंग कंडीशन हम एच पे इंपोज कर दिए कि एच जीरो को टेंड करेगा तो यह वैल्यू एफ एक्स की एफ ए को टेंड करेगी, एच जैसे ही जीरो होगा
तो एफ ए बचेगा यहाँ पर, तो अब हमें एफ ऑफ ए माइनस एच की लिमिटिंग वैल्यू निकालने पे यही चीज मिलेगी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। फिर से बता रहा हूं कि एक्स जब ए के लेफ्ट साइड से ए की तरफ टेंड करता है तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, इसी को हम LHL कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और इसको इस तरीके से हम वर्कआउट करते हैं। यहाँ पर अब